एक मित्र ने पूछा है कि व्यक्ति का ढांचा, उसका व्यक्तित्व जानने के लिए गुरु का उपयोग होता रहा है, पर क्या हम किसी के सम्मोहन में, हिप्नोसिस में अपना टाइप, अपना ढांचा नहीं जान सकते? क्या सम्मोहन का प्रयोग साधना के लिए खतरनाक भी हो सकता है? सम्मोहन एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है। लाभप्रद भी है, खतरनाक भी। असल में जिस चीज से भी लाभ पहुंच सकता हो, उससे खतरा भी हो सकता है। खतरा होता ही उससे है जिससे लाभ हो सकता हो। जिसमें लाभ की शक्ति है, उसमें नुकसान की शक्ति भी होती है। तो सम्मोहन कोई होम्योपैथिक दवा नहीं है कि जिससे सिर्फ लाभ ही पहुंचता हो और नुकसान ना होता हो। सम्मोहन के संबंध में बड़ी भ्रांतियां हैं, लेकिन पश्चिम में तो भ्रांतियां टूटती जा रही हैं, पूरब में भ्रांतियों का बहुत जोर है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि पूरब ही सम्मोहन का पहला खोजी है, लेकिन हम उसे दूसरा नाम देते थे। हमने उसे योग तंद्रा कहा है। नाम हमारा बढ़िया है, नाम सुनते ही अंतर पड़ जाता है। हिप्नोसिस का मतलब भी तंद्रा है, वो भी ग्रीक शब्द हिप्नोस से बना है, जिसका अर्थ नींद होता है। दो तरह की नींद संभव है। एक तो नींद जब आपका शरीर थक जाता है, रात आप सो जाते, वो प्राकृतिक है। दूसरी नींद है जो चेष्टा करके आप में लाई जा सकती है, इंड्यूस्ड स्लीप। योग तंद्रा या सम्मोहन या हिप्नोसिस वही दूसरी तरह की नींद है। रात जब आप सोते हैं, तब आपका चेतन मन धीरे 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 शांत हो जाता है और अचेतन मन सक्रिय हो जाता है। आपके मन की गहरी परतों में आप उतर जाते हैं। सम्मोहन में भी चेष्टा पूर्वक यही प्रयोग किया जाता है कि आपके मन की ऊपर की परत जो रोज सक्रिय रहती है, उसे सुला दिया जाता है और आपके भीतर का मन सक्रिय हो जाता है। भीतर का मन ज्यादा सत्य है, क्योंकि भीतर के मन को समाज विकृत नहीं कर पाया। भीतर का मन ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि भीतर का मन अभी भी प्रकृति के अनुसार चलता है। भीतर के मन में कोई पाखंड, कोई धोखा, भीतर के मन में कोई संदेह, कोई शक सुबह, कुछ भी नहीं है। भीतर का मन एकदम निर्दोष है, जैसे पहले दिन पैदा हुए बच्चे का जैसा निर्दोष मन होता है, वैसा निर्दोष मन भीतर है। धूल तो ऊपर ऊपर जम गई है, मन के बाहर की परतों पर कचरा इकट्ठा हो गया है। भीतर जैसे हम प्रवेश करते हैं, वैसा शुद्ध मन उपलब्ध होता है। इस शुद्ध मन को हिप्नोसिस के द्वारा संबंधित, हिप्नोसिस के द्वारा इस शुद्ध मन से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। स्वभावतः लाभ भी हो सकता है, खतरा भी। अगर कोई खतरा पहुंचाना चाहे तो भी पहुंचा सकता है, क्योंकि वो भीतर का मन संदेह नहीं करता है। उससे जो भी कहा जाता है वो मान लेता है, वो परम श्रद्धावान है। अगर एक पुरुष को सम्मोहित करके कहा जाए कि तुम पुरुष नहीं स्त्री हो, तो वो स्वीकार कर लेता है कि मैं स्त्री हूं। उससे कहा जाए कि अब तुम उठ के चलो, तुम स्त्री की भांति चलोगे, तो वो पुरुष जो कभी स्त्री की भांति नहीं चला, स्त्री की भांति चलने लगेगा। उस पुरुष को कहा जाए कि तुम्हारे सामने ये गाय खड़ी है और वहां कोई भी नहीं खड़ा है, अब तुम दूध लगाना शुरू करो, तो वो बैठ के दूध लगाना शुरू कर देगा। वो जो अचेतन मन है, वो परम श्रद्धावान है। उससे जो कहा जाए वो उस पर प्रश्न नहीं उठाता, वो उसे स्वीकार कर लेता है। यही श्रद्धा का अर्थ है। वो ये नहीं कहता कि कहां है गाय,
वो ये नहीं कहता कि मैं पुरुष हूं स्त्री नहीं हूं, वो संदेह करना जानता ही नहीं। संदेह तो मन की ऊपर की परत जो तर्क सीख गई है वही करती। इसका लाभ भी हो सकता है, इसका खतरा भी है, क्योंकि उस परम श्रद्धालु मन को कुछ ऐसी बात भी समझाई जा सकती है जो व्यक्ति के अहित में हो, जो उसको नुकसान पहुंचाए, मृत्यु तक घटित हो सकती है। सम्मोहित व्यक्ति को अगर भरोसा दिला दिया जाए कि तुम मर रहे हो तो वो भरोसा कर लेता है कि मैं मर रहा हूं। 1952 में अमेरिका में एंटी हिप्नोटिक एक्ट बनाया गया। यह पहला कानून है हिप्नोसिस के खिलाफ दुनिया में कहीं भी बना, क्योंकि चार लड़के विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में सम्मोहन की किताब पढ़ के प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने एक लड़के को जिसको बेहोश किया था भरोसा दिला दिया कि तू मर गया है। वो सिर्फ मजाक कर रहे थे लेकिन वो लड़का सच में ही मर गया। वो हृदय में इतनी गहरी बात पहुंच गई, वहां कोई संदेह नहीं है, मृत्यु हो गई तो मृत्यु को स्वीकार कर लिया, शरीर और आत्मा का संबंध तत्क्षण छूट गया। तो हिप्नोसिस के खिलाफ एक कानून बनाना पड़ा। अगर मृत्यु तक पर भरोसा हो सकता है तो फिर किसी भी चीज पर भरोसा हो सकता है, तो सम्मोहन का लाभ भी उठाया जा सकता है। पश्चिम में बहुत बड़ा सम्मोहक था कुएं। कुएं ने लाखों मरीजों को ठीक किया सिर्फ सम्मोहन के द्वारा। अब तक दुनिया का कोई चिकित्सक किसी भी चिकित्सा पद्धति से इतने मरीज ठीक नहीं कर सका है जितना कुएं ने सिर्फ सम्मोहन से किया। असाध्य बीमारियां दूर की क्योंकि भरोसा दिला दिया भीतर कि यह बीमारी है ही नहीं। इस भरोसे के आते ही शरीर बदलना शुरू हो जाता है। कुएं ने हजारों लोगों की शराब सिगरेट और तरह के दुर्व्यसन क्षण भर में छुड़ा दिए क्योंकि भरोसा दिला दिया। मन को गहरे में भरोसा आ जाए तो शरीर तक परिणाम होने शुरू हो जाते, तो लाभ भी हो सकता है। अगर आपको ध्यान नहीं लगता है, सम्मोहन में अगर आपको सुझाव दे दिया जाए दूसरे दिन से ही आपका ध्यान लगना गहरा हो जाएगा। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन व्यर्थ के विचार आते हैं। सम्मोहन में कह दिया जाए कि प्रार्थना के क्षण में कोई भी विचार ना आएंगे तो प्रार्थना आपकी परम शांत और आनंदपूर्ण हो जाएगी, कोई विचार का विघ्न ना रह जाएगा। आपकी साधना में सहयोग पहुंचाया जा सकता है।